हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सब लोग आप अच्छे हैं। और आज चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं, नहीं बोलूंगी क्योंकि दिन ऑलरेडी सबका स्टार्ट हो चुका होगा, रात हो चुकी है। तो डिनर में कुछ नया ट्राई करने का मन किया तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। चलिए देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार करके रख लिए हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे फिश को मैरिनेट किया हुआ है। मैंने किया है मैरिनेट विनेगर और सोया सॉस में, और थोड़ा सा नमक डाला है। और इसके लिए एक कैप्सिकम मैंने डाइस किया है, अदरक और लहसुन। इसको बारीक काटना है पर मैंने अभी काटा नहीं है। और इसके साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये प्याज मैंने काट लिए हैं, लंबे लंबे काटे हैं प्याज। और चिली फिश बना रही हूँ तो उसके लिए मिर्ची तो लगेंगे है, कॉर्नफ्लावर लगेगा मुझे थोड़ा सा, और एक अंडा ये नीचे ही है इसे हटा देना है। और ये सारी चीज़ें फाइनल लगेंगी मुझे। और ये इसे भेटकी कहते हैं इसमें बंगाली में, और नहीं तो आप कोई भी बोनलेस फिश ले सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बोन नहीं है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है चिली फिश के लिए। तो यही मैंने चूज किया है, और अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। चलिए देखते रहिए। पैन में मैंने तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है, वाइट ऑयल यूज किया है। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में तेल लेना है क्योंकि फिश को एक एक करके फ्राई करना है, सो उस हिसाब से आप भी ऑयल लेना, और उसी ऑयल में बाकी सारी चीज़ें भी हम बाद में फ्राई कर लेंगे। चलिए अब धीरे धीरे फिश को भी रेडी कर लेते हैं। फिश में कॉर्नफ्लावर एंड एग मिला के उसको तैयार कर लेना है, इससे एक अच्छी सी कोटिंग आ जाती है फिश में और खाने में फिर अच्छा लगता है, थोड़ा क्रिस्पीनेस आता है। तो कॉर्नफ्लावर आप अपने हिसाब से मिलाना, ज़्यादा मत मिलाइएगा नहीं तो वो बाहर की कोटिंग मोटी हो जाएगी, सो उस हिसाब से मिलाइएगा। क्योंकि फिश में पहले से मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं किया है, अभी ऐड कर रही हूँ, और पहले से मैंने विनेगर और सोया सॉस ऐड किया था तो उसका वाटर है, तो इस हिसाब से ही मैंने कॉर्नफ्लावर दिया है। तो देखिए इसमें लगता है मुझे थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर लगेगा, तो मैं इसमें अभी थोड़ा और कॉर्नफ्लावर भी डालूंगी इसके साथ। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब धीरे धीरे मैंने फिश डाल लिया है। अब पहले एक दो पीसेस में फ्राई करके देख ले रही हूँ कि वो अच्छे से फ्राई हो रही है अभी, फिर बाकी फिशेस को भी साथ साथ में डाल दूंगी। निकाल के देखती हूँ ठीक से हुआ है या नहीं, मैं सबको ही निकाल ले रही हूँ, फिर इसमें से एक दूंगी टेस्ट करने के लिए मेरी बेटी को, सो दैट पता चले मुझे एटलीस्ट नमक वमक ठीक से इसके अंदर गया है या नहीं, क्योंकि वो सभी अंदाज के हिसाब से दिया था। अब धीरे धीरे करके सारे फिशेस को डाल लेना है, बहुत सारा फिश है तो मुझे ये एक बार में लगता है नहीं आएंगे, तो फिर बारी बारी से करना है, तो एक लॉट निकाल के फिर नेक्स्ट लॉट डालना है। देखिए इतना अच्छे से कुक हो रहा है, फ्लेम को मैंने हाई और मीडियम में ही रखा है, उसको लो मत कीजिएगा। अब ये अच्छे से कुक हो गया है, काफी क्रिस्पी भी लग रहा है।
कैसा बना है? यम बना, यम मस्त बना है, मस्त। फिशेस जब तक फ्राई हो रही है, चलिए गार्लिक भी काट लेते हैं। गार्लिक को एकदम छोटे छोटे बारीक काटना है, सो दैट फ्राई करने से बहुत अच्छा स्मेल आए। मैंने ऑलमोस्ट एक बड़ा गार्लिक लिया है, पहले से पील करके रखा था, अब उसको जस्ट कट करके उसमें फ्राई करना है ऑयल में। सारे फिशेस फ्राई हो गए, निकाल लिए मैंने, और जो रेस्ट लेफ्ट ओवर ऑयल है उसमें ही मैं फर्स्ट में गार्लिक दे रही हूँ। गार्लिक के बाद अब मैं इसमें जिंजर दूंगी, थोड़ा सा गार्लिक फ्राई हो जाने दीजिए, इससे स्मेल आ जाता है ऑयल में बहुत अच्छा सा। इसके बाद मैं जिंजर दे रही हूँ, जो पहले से छोटे छोटे बारीक काट के रखे हुए हैं, और इसको भी फ्राई करते हैं। और इसको फ्राई करते करते इसमें चिलीज, मैंने 4-5 ग्रीन चिलीज बीच में से स्लिप कर लिया है, वो देना है। और इसको थोड़ा अच्छे से फ्राई करना है सो दैट पूरे ऑयल में इन तीनों का स्मेल आ जाए। फिर इसमें आप अनियन डाल देना है, और अनियन के साथ ये सारे मसालों को फ्राई करना है। ज़्यादा अनियन को ना वो नहीं करना है, जला नहीं देना है, बट थोड़ा सा क्रिस्पी होगा, ब्राउन ब्राउन हो जाएगा ये जब तक ये मसाले, अदरक लहसुन और ग्रीन चिलीज अच्छे से स्मेल ऑयल में दे देते हैं, फिर ही आप अनियन को ऐड करना। प्याज अच्छे से जब फ्राई हो जाए, देखिए प्याज लहसुन अदरक ग्रीन चिली सबका फ्राई होने लगा है ये, तो इसमें हमें लास्ट में कैप्सिकम मिला देंगे जो काट के रखा हुआ था। इसको हाई फ्लेम में आपको फ्राई करना है, बिना नीचे लगाए कंटिन्यूसली स्टर करना है, सो दैट इसका वो कच्चापन चला जाए और ये नरम भी ना हो। चलिए जब तक बाकी सारी चीज़ें फ्राई होती है सॉस बना लेते हैं। तो मैंने ये ग्रीन चिली सॉस लिया है एक छोटे से बाउल में, और इसमें मैं ऐड करूँगी ये स्वीट रेड चिली सॉस, थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं तो स्वीट हो जाएगा डिश। और इसके साथ मैं थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूँगी और विनेगर ऐड करूँगी। चिली सॉस को क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि इससे अब चिली फिश है तो थोड़ा तो चिली होना ही चाहिए है। और इसके साथ अभी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसमें हम सॉस मिला ले रहे हैं जो हमने सॉस बनाए थे, सॉस का मिक्सचर जो बनाया था, और फिर सॉस के साथ इस पूरे चीज़ को फिर से फ्राई करना है। अब इसमें मैं जो फिशेस हमने पहले से फ्राई किए थे, फिश के पीसेस, वो भी इसी मिक्सचर में मिला दे रही हूँ। और फ्लेम मैंने थोड़ा मीडियम कर दिया है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कुक हो गई है, जस्ट इसको मिलाना है। तब धीरे धीरे इसको पूरे सब को एक साथ मिला लेना है, सो दैट सॉस का पूरा टेस्ट भी फिश के अंदर चला जाए।
अब इसके बाद मैं इसमें एक मल्टीपर्पस सीजनिंग मिला रही हूँ, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा मिलाना है बस अपने स्वाद अनुसार। ऑलमोस्ट रेडी है मेरा चिली फिश। चलिए आपके साथ फाइनल शेयर करती हूँ कैसे बनी है चिली फिश। देखिए गर्मी से मेरी क्या हालत हुई है किचन में, बहुत गर्मी है कलकत्ता में, बाप रे। ये फाइनल लुक है चिली फिश का, बहुत सुंदर बना है। और अब मेरा नेक्स्ट काम है मेरी बेटी को टेस्ट कराना। बताओ कैसा बना है। बेस्ट क्रिटिक आई हैव। Nice. Thank you. चलिए दोनों सिस्टर्स को पसंद आ गया है, सो इट इज पास्ट नाउ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बना था और घर में सबको पसंद आया। सो चलिए आप ट्राई कीजिएगा आप लोग सब, और मुझे बताइएगा कैसी बनी आपकी चिली फिश। और Stay tuned, देखते रहिए, and thank you for watching, और सब अच्छे से रहिए, keep watching, and please, अगर कुछ अच्छा लगे आपको, do like, share, and comment, and please subscribe if you like the channel. Stay tuned, and meet you again, हमारे next vlog में, bye!